हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज 31 जनवरी है और आज मैं अपना फर्स्ट व्लॉग शूट कर रही हूँ। मैंने कभी व्लॉग के लिए ट्राई नहीं किया था, बट आज जो मेरा फर्स्ट व्लॉग है, सोचा कि करना चाहिए। तो आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है एंड अपने व्लॉग में मैं आप लोगों को मोस्टली बताऊँगी अपना डेली रूटीन, और आई होप आप लोग सब जरूर सपोर्ट करोगे, क्योंकि रील्स पे तो मुझे इतना सारा व्यूज़ नहीं आ रहा है अभी। अभी फिलहाल मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है, ठीक है। तो अभी मैं रील्स ही डालती हूँ, शॉर्ट्स डालती हूँ, इंस्टाग्राम पे रील्स डालती हूँ, यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालती हूँ। सो मैंने सोचा ना कि यूट्यूब पे व्लॉग्स भी डालना चाहिए, शायद सपोर्ट मिले पब्लिक का। तो मैंने व्लॉग शूट करना शुरू किया है अब। तो मैं अपने व्लॉग में डेली रूटीन आप लोगों को बताऊँगी अपना, और बस अभी देखते हैं दिन में क्या करते हैं। और क्या बताऊँ, और मैं पंजाब से हूँ, पंजाब जलंधर से। तो जो भी आप लोगों को लगेगा फर्स्ट व्लॉग जब मैं अपलोड करूँगी, आप लोग कमेंट कर देना कि सही नहीं है, या फिर कुछ कमी है, या फिर कुछ चेंज लाना चाहिए, या फिर चैलेंजेस करने चाहिए, या फिर प्रैंक करने चाहिए। तो आप लोग हमें ज़रूर सजेस्ट करना, तभी हम लोग आप लोगों को अच्छे से एंटरटेन कर पाएंगे, ठीक है। और मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको बोर ना करके एंटरटेन ज़रूर करें। ओके, देन देखते हैं अब हम क्या करेंगे। अभी तो दोपहर का टाइम है, 12 बजे हुए हैं और मैंने व्लॉग शूट करना शुरू किया है अब। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। ओके, हाँ, मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि आप लोगों को लगेगा ना मेरी गले में आवाज़ कैसी आ रही है ना, तो मुझे थोड़ा सा सिकनेस है और थोड़ा सा गला ख़राब है, बस थोड़ा सा कोल्ड है और कुछ नहीं, दवाई ले रही हूँ। और आप बीच में वो सब्जी वाला आ गया था, इस करके मैंने वीडियो ऑफ कर दिया। बेर ले लो आ रहा था। मिलते हैं बाद में। ओके, सो गाइज, अब हम बनाने जा रहे हैं खाना। खाना बना लेते हैं। खाने में हम आज बना रहे हैं फुलके विद पनीर की भुर्जी। पनीर की भुर्जी, चलो तो बनाते हैं। आ जाओ। नाउ हमारे पनीर की भुजिया बन के रेडी है। मैं दिखाती हूँ आपको पास से थोड़ा सा, ठीक है। बनते हैं ऊपर, खाना खाने ऊपर जाएंगे धूप में। ओके, बाय। हेलो, मैंने आप लोगों को बताया था कि खाना खाने के बाद में, खाना खाने के लिए मैं ऊपर छत पे जाऊंगी। तो जैसे ही मैं फ़ोन लेके आ रही थी, मैंने खाना अपना सर्व कर लिया था। तो उसके बाद मैंने खाना लेके ऊपर आ ही रही थी, मुझे निन्नू का फ़ोन आया कि अभी जॉब पे थोड़ा सा पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनका बस फ़ोन आया, उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है, कुछ तो बताओ ना। तो कुछ बताया नहीं अभी उन्होंने, कहते कि मैं घर आ रहा हूँ और देखते हैं अब क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो मैंने सोचा, मैंने कहा अब निन्नू आ ही रहे हैं तो निन्नू के साथ ही खाना खाऊंगी। अब आने वाले हैं बस वो 15-20 मिनट में, देखते हैं। मैं तो दिमाग ही ख़राब हो गया, घूम गया एकदम, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तबीयत तो उनकी सुबह तो ठीक थी, तबीयत भी ठीक है, अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है, आने के बाद ही पता चलेगा उनके। चलो खैर, आप लोग इंजॉय करो और हम मिलते हैं नीनू के आने के बाद।
वाला तो ऊपर आएंगे, देखते हैं बात क्या है। हेलो, तो गन्ने का रस वाला आया हुआ था ऊपर से, ऊपर से फिर उन्होंने आवाज लगा के रोक लिया। अगर देखते हैं बाहर आएंगे गन्ने का रस बनवा रहे हैं। एक और आधा आधा कर लो, आधा आप ले लो। Great success. पी लिया। तो एक बार पता है क्या हुआ, पिछली बार ना जूस वाला आया हुआ था, तो मेरे को ना जूस पीने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। फिर मैंने क्या किया ना, मैं बाहर जाके मैंने देखा कि जूस वाला आया हुआ है, गन्ने का जूस वाला। तो मैंने सोची वो रुकेगा यहाँ पे, वो थोड़ा आगे को खड़ा हुआ था। तो जैसे ही वो अपनी वो बाइक से लेकर आया तो मैं उसको रोकने लगी। मैंने कहा भैया रुक जाओ, भैया रुक जाओ। उसने रुका नहीं, बड़ी जोर से चिल्लाई भैया ओए, लेकिन रुका नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं ऊपर गई भागती हुई, मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी नीचे ना गन्ने का जूस वाला आया हुआ है, तो मैंने जूस पीना है। क्या हुआ, पापा जॉब से आए थे, मम्मी छत पे से उतरी गड़वी लेके, जो लोटा होता है गड़वी वो लेके, और साथ में फ्रेंच भी। तो पीछे पापा भागे जूस वाले के, उसके पीछे मम्मी भागी, उसके पीछे फ्रेंच भागा। तो हम कहीं जाके वो जूस वाला हाथ लगा और फिर उसे जूस लेके आए, बड़ी दूर चला गया था। उसके बाद भी मतलब पिछली गली में चला गया था, फिर वहां से जूस लेके आए थे मेरे लिए। इतना फनी हुआ था ना वो वाला मोमेंट हुए हुए। तो चलो अभी खाना वाना तो खा लिया, मीनू आ गए। और हाँ, मैं आपको बता रही थी कि क्या प्रॉब्लम क्या हुई है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। आने के बाद इन्होंने मेरा ही पागल काट दिया, ठीक है। तो ये करते करते आज जल्दी छुट्टी करते, इसलिए आ गया जल्दी। मैंने कहा अच्छा, तो कल इनका वीक ऑफ है, छुट्टी, कल हम मजे करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे, ठीक है। तो कल इंजॉयमेंट पूरी है। गला यार बड़ा ख़राब हो रहा है मेरा, देखो वो बैठे हुए हैं, अपने गेम में लगे हुए हैं बस। उनका पूरा दिन गेम के अलावा और कुछ दिखता भी नहीं है, पूरा दिन गेम बस। वो और उनके गेम को अकेला छोड़ दो और कोई उनके बीच में ना आए। चलो तो 3-4 बजे हुए हैं, 3 बजे हुए हैं सोने का टाइम, तो अभी मैं जा रही सोने, मिलते हैं बाद में। ओके 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 सो गाइस, 3 बजे हुए हैं, अभी सोने की तैयारी हो रही है, सोने की तैयारी। मैं सोऊंगी और ये अपनी गेम ही खेल लेंगे। मैं आप लोगों को मान जाऊंगी अगर इनकी गेम छुड़वा दो तो, ये नहीं छोड़ सकते। 2 साल मुझे हो गए इनको करते करते, गेम छोड़ दो। नहीं जी, गेम नहीं छोड़ने इन्होंने, पता नहीं कौन सी गेम खेल रहे हैं। गड्डी जल्दी भी है। और हाँ, मैंने आप लोगों से एक बात पूछनी थी कि जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो हमारे जो एरिया है वहाँ पे ना मोस्टली हरियाणा ही बोलते हैं, ठीक है। हरियाणा भी बोलते हैं और यहाँ पे सभी पंजाबी बोलते हैं, वैसे हम दिल्ली की बोलते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ना कन्फ्यूज़न हो रही है कि व्लॉग में मतलब कैसे बोल रहे हैं हम, नेचुरली पंजाबी लैंग्वेज यूज़ करें, ठीक है, या फिर हिंदी जो अभी मैं बोल रही हूँ व्लॉग में, पूरे व्लॉग में जो अभी तक मैंने बोली है वही ठीक है, या फिर हमें हरियाणवी टोन में बात करनी चाहिए। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि हमें कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। चलो तो मैं सो जाती हूँ, और देखो उनकी हरकतें।
तो हम सो जाते हैं और मैं एक चीज और दिखाती हूँ आपको। हमारे यहाँ कल झाड़ू वाले आए हुए थे आम आदमी पार्टी के, तो वो ना पोस्टर लगा के जा रहे थे, पोस्टर लगा के जा रहे थे। तो फिर मम्मी ने देखा कि पोस्टर लगा के गए हुए हैं वो। पोस्टर मम्मी ने रोक के बोला, ओ भैया इधर आ, एक कैलेंडर दे के जा। तो एक कैलेंडर लेके रखा उनसे, फिर कुछ तो फायदा होना चाहिए, तभी तो वोट देंगे। मैं कहा ठीक है, फिर उन्होंने कैलेंडर दिया। चलो ओके बाय, हम चले सोने, उठने के बाद बात करते हैं। तो गाइस मैं शाम का उठने के बाद, मुझे ध्यान नहीं रहा ब्लॉग बनाने का। एक तो फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो बार बार फोन पकड़ने का ध्यान नहीं रहता, दिमाग से उतर गया था। तो अब तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 11 बज चुके हैं, 11 बज चुके हैं, लेटने का टाइम है, सभी सो चुके हैं। आपको दिख ही रहा होगा कि बाहर भी अंधेरा हो रहा है, रूम की भी लाइटें बंद है। और बस आज व्लॉग यहीं एंड करते हैं। मैं भी ये भी उठे हुए गुड हैं। नाइट, गुड नाइट सभी को, हमारे गुड नाइट ऑल ऑफ यू। यूट्यूब फैमिली को गुड नाइट। तो अब मिलते हैं कल। ओके प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, और ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर भाई, करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, फैला दीजिए, ठीक है? और सपोर्ट चाहिए प्लीज गाइस, बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए। अभी तो फास्ट फ्लो हो गया, देखते हैं कितना व्यूज आते हैं। मिलते हैं फिर कल। ओके बाय, गुड नाइट।